तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का श्रवण वास के प्रथम सोमारी का ग्रुप वाला पोस्टर एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PLP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जिप फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जी फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी मिल सकता है। तो सबसे पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल लैब है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा open.plp फाइल, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस ऊपर की तरफ आपको 3 ऑप्शन शो होंगे, तो उसमें से भी आपको PLP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप लोग इस पोस्टर को डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डालकर जब एक्सट्रैक्ट कर लोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर आया। तो मैं पिक्सल लैब में बनाया, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्रथम सोमारी पोस्टर PLP, तो इस पर आपको क्लिक करके ओपन एंडेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक बार बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर कुछ इस प्रकार से ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। और गाइस देख सकते हो कि मैंने 6 फ्रेम को ऐड किया हुआ है। तो एक फ्रेम में मैंने ऑलरेडी पहले से अपना फोटो ऐड करके रखा है, तो इस फोटो को सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। और डिलीट करने के बाद गाइस आपको इस वाला ऑप्शन पर आना है, इनपुट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इनपुट पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लेके जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलो गाइस मैं कुछ फ़ोटो को PNG फ़ोटो बना कर रखा हूँ, तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। और गाइस आप लोगों को PNG फोटो नहीं बनाने आता है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप देखकर PNG फोटो बना सकते हो। तो चलो गाइस मैं फिर से, तो मैं इस वाले फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहीं पर एक ऑप्शन रोटेट का मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करके इस सही वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि एक बड़ा सा बिंदु मिलेगा, तो इस पर आपको टैप करके आप फोटो को जितना छोटा बड़ा रखना चाहते हो इस फ्रेम के हिसाब से उसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइस कि इस फोटो को मैंने इस फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से इन सभी फ्रेम में आप अपने दोस्त का फोटो लगा सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।